वेलकम फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य कभी बड़ा नहीं होता। अगर कोई किसी भी बड़े से बड़ा कार्य को कर रहा है तो इसका मतलब उसको आप भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा कार्य क्यों ना हो। इन्हीं दो बातों के साथ शुरू करते हैं कक्षा 10 NCERT मैथ, जिसमें हम लोग देख लें आज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, है ना, ये तो होता है। तो समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से। सबसे पहले हम ये जानेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है, व्हाट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्योंकि अगर हमें किसी गांव के बारे में जानना है तो पहले हम उसकी बेसिक जानकारी जुटाएंगे कि ये गांव यहाँ पर कब बसा, सबसे पहले यहाँ पर कौन आया, है ना। देखिए पहले तो समांतर की बात करें अगर दो लाइनों की, तो ये देखिए हमने दो लाइनें यहाँ खींचा हुआ है, बट ये मार्कर कुछ गड़बड़ है, तो और दो लाइनें मैंने इधर खींचा है। अब बताइए इन दोनों में कौन समांतर है। समांतर मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलना, बगल मतलब कि बगल बगल में चलना, ये क्या है, समानांतर है। बट अगर 36 का आंकड़ा एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं आप, तो ये क्या है, लंबवत बोलते हैं इसे। ये क्या है, ये दोनों समांतर हैं और ये क्या है, लंबवत। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्या होती है। श्रेणी सेम टू सेम वैसे होती है जैसे आपके घर में छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है ना, सबके घर में होगी, आपने देखा होगा। तो थोड़ा सा रुकिएगा, कुछ हाँ तो ठीक है, सबके घर में सीढ़ी होगी छत पे चढ़ने के लिए, आपने देखा होगा जैसे उस सीढ़ी में डंडे लगे होते हैं भाई, ऐसे लगे होते हैं ना। अरे मैं वो बांस वाली सीढ़ी की बात कर रहा हूँ या लोहे वाली जिसपे पेंटिंग वगैरह करते हैं चढ़ के, सब लोगों ने देखा होगा, कोई विदेश से नहीं आया है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप गौर से देखें आपके चाहे छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी हो या ये लोहे वाली लकड़ी वाली हो, इसमें जो ये डंडे लगे होते हैं बराबर दूरी पे होते हैं ना। किसी सीढ़ी में ऐसा तो नहीं होता है कि यहाँ पर एक डंडा लगा हुआ तो बीच में कुछ भी नहीं है और फिर एक है, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है जैसे टूटी हुई सीढ़ी माना जाता है, आपका पैर इतना लंबा नहीं फैलेगा कि उस पर पहुंच जाएंगे, किसी किसी का पहुंच भी सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हम ये सब क्यों बता रहे हैं, सीढ़ी गांव इल्ला बिल्ला क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना तो व्यवहारिक रूप में समझना चाहिए, हमारा माइंड जो है पिक्चर के रूप में सोचता है, कभी भी पढ़ाई पढ़ाई नहीं सोचता। देखिए उसी तरह ये क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, कैसे जानेंगे। देखिए अगर हमने लिखा यहाँ पर 9 और फिर 9 में बराबर बराबर 9 जोड़े हो जाए 18, है ना, और फिर इसे 18 में 9 ही जोड़ना है तो ये हो जाएगा 27, और फिर इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। अगर आप गौर करें तो जब हम 18 से घटाएंगे 9 तो क्या आएगा, 9 आएगा। जब 27 से हम घटाएंगे कितना, 9, तो क्या आएगा, 27 से 9 घटाएंगे तो 18 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 18 से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा और 27 से 9 घटाएंगे तो 18 आएगा और 36 से जब 9 घटाएंगे तो 27 आएगा। यहाँ क्या समझ में आ रहा है, इन सब के बीच का अंतर 9-9 आ रहा है, आ रहा कि नहीं करके देख लीजिए। अगर किसी को गड़बड़ लग रहा हो तो ये देखिए 36 से 27 घटा लो, 9 आ गया ना, आएगा। ये एक समांतर श्रेणी है, क्यों, क्योंकि जो इनके बीच का अंतर है वो 9 का है, इनके बीच का अंतर कितने का है, 9 का है, इसलिए क्या हुई है, समांतर श्रेणी हुई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को पूरा देखिएगा और BBR स्टडी की सभी क्लासों को देखिएगा, गणित सिखाने की पूरी 100% गारंटी, न एक ज्यादा न एक कम, आपने देखा होगा कहीं ना इसको, है ना। तो समांतर श्रेणी का कुछ भाग आप समझे होंगे, कुछ लोग तो 100% समझ गए होंगे। तो एक और दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बनाया यहाँ पर एक स्तंभ, स्तंभ आप नाम सुने होंगे, खंभा जिसे बोलते हैं, ठीक है, बना दिया एक खंभा, यहाँ भी बना दिया, ध्यान दीजिएगा ये सब खंभा चिमनी क्यों बनाए रहे, गौर से देखिएगा, समझ में आने की पूरी गारंटी होगी, बस पूरा क्लास देखिएगा और लाइक तो तुरंत कर दीजिएगा, वरना नहीं समझ में आएगा तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। अब देखिए
इसके बीच में हमने क्या किया, लड़कों को बैठा दिया। भाई आप जानते हैं ना, लड़के हमेशा हंसते रहते हैं। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब क्या बेवकूफी वाला बता रहे, कभी भूलने ना भूलने वाला तरीका है ये सब। बाकी पढ़ाते तो बहुत लोग हैं बट हम सिखाते हैं। आप गौर करें तो इसके बीच में दो बच्चा बैठा है, इसके भी बीच में दो ही बैठा है, और इसके भी बीच में क्या है, अगर दो ही बैठा है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन दोनों खंभों की, सभी खंभों के बीच में उतनी ही जगह है कि दो दो बच्चे बैठ सकते हैं। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी बन रही है। लेकिन अगर इसी में मैं आपको एक और दिखाऊं तो ध्यान दीजिएगा, वो समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी इसको गौर करिएगा। अगर मैंने यहां पे एक बना दिया, वो क्या है गौर करिएगा, ये खंभे तो हमने बना दिए उसी तरह से, ठीक है ना। अब खंभे कैसे बन रहे हैं, अच्छे बुरे उनसे नहीं मतलब है। इसमें हमने एक मोटा सा बच्चा बैठा दिया। अब भाई इसके बीच में हमने क्या किया, देखिए भाई मुझे आर्ट बनाना तो बचपन से ही नहीं आता है, ठीक ना, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। खंभा बनाते बनाते ये मोटा बच्चा बन जा रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ भी समझने की कोशिश करिएगा, हम जो बता रहे हैं उन बातों को बस। इसके बीच भी हमने क्या किया, दो बना दिया। अब बताइए क्या ये समांतर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, कोई क्रम ही नहीं बन रहा है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। जरूरी नहीं कि सभी के बीच में बराबर बराबर ही आए, समांतर श्रेणी तभी होगा। समांतर श्रेणी होने का और भी कारण होता है, लेकिन पहले आप इतना ही समझिए कि जब दोनों के बीच का अंतर जो है वो बराबर होगा, जो भी दो पद दिए हैं बगल बगल में, तो वो समांतर श्रेणी होगी। अब इसका उदाहरण जो है आप लोग जल्दी से उत्तर बता दीजिए, हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, देखिए इसको देखते हैं। अगर सात से दो घटाएंगे तो पांच आता है, तेरह से दो घटाते हैं तो ग्यारह आता है, इसमें से घटाते हैं चार आता है। इसकी अलग पक रही, इसकी अलग, किसी का तालमेल नहीं बन रहा है, नहीं है ये। इसमें से घटाइए दो आएगा, इसमें से घटाइए दो आएगा, इसमें से घटाइए दो आएगा, हो गया बराबर बराबर। दिस इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी है। लेकिन इसको भी देख लो ना, इसको देखने में क्या हर्ज है, ये तीन आया, ये तीन आया, और ये इसमें से घटाएंगे माइनस सात आएगा, इसमें से घटाएंगे तो तीन आएगा, है सही, कतई सही नहीं है, गड़बड़ हो गया ये, क्योंकि यहाँ सात आके सारा मामला गड़बड़ कर दिया। तो ये ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, अभी हम हट जाएंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, 17, 19 और 32 और 34, दूसरा देखिए, इनमें कौन समांतर श्रेणी है आपको ये बताना है, गौर करिएगा। 2, 9, 16, 28, 3, 11 और 19, 27, 35। जल्दी से कमेंट करिए दूसरे में कौन सा समांतर श्रेणी है, फटाफट करें, देर ना करें, फिर हम लोग आगे चलेंगे, तुरंत करें। हो गए सभी के, सभी के आंसर हो गए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें, बिल्कुल देर का तय ना करें। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये आपकी कक्षा 10 की बुक का सवाल है, आप देखिए जल्दी करें फटाफट, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा या चौथा हो जाएगा, जो भी नंबर आप लिख लीजिए, लेकिन आपके कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक में सवाल नंबर पहला है। सवाल नंबर पहले में कह रहा है, अभ्यास 5A में निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वांतर निकालिए। तो प्रथम पद क्या होता है, सार्वांतर क्या होता है, हम बात करेंगे। पहले तो आप समझे, तो पहले नाम लेना तो सीखें। आपने वो सुना होगा ना, लड़के ने कहा पापा पापा हफीम खाओ भाई, तो भैया पापा ने बताया हफीम नहीं बाबा अफीम होता है, ठीक ना। तो पहले आपको नाम लेना आना चाहिए, आगे नहीं
कौन सा होगा? ये। कैसे? अगर एक से तीन घटाएंगे तो माइनस दो आएगा, और माइनस एक से अगर माइनस तीन घटाएंगे तो जो आएगा वो आपके सामने ही आएगा। देखिए माइनस एक धन तीन इक्वल दो आएगा, आ रहा ना? दो मतलब दो ही आएगा वैसे भी, वैसे भी। तो आप इसे समझ सकते हैं अब, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। अब हम देखेंगे प्रथम पद क्या होता है। जैसे हमने एक श्रेणी लिख दिया यहाँ पर, सात चौदह इक्कीस अट्ठाईस, देखिए समांतर श्रेणी है। कैसे? चौदह से सात घटाएंगे सात आएगा, इक्कीस से चौदह घटाएंगे सात आएगा, अट्ठाईस से इक्कीस घटाएंगे सात आएगा, बराबर आ रहा ना? अब बात करते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है और सार्वांतर, सार्वांतर, बट ये सार्वांतर क्या मैंने सही लिखा है? शायद सही लिखा है। प्रथम पद वो होता है जहां से श्रेणी शुरू होती है, प्रथम पद है सार। सार्वांतर वो होता है जिस जो दूसरे पद से पहला पद घटाने पे आता है, यानी जो सब में बराबर आता है। क्या आ रहा? सभी में सात आ रहा ना, तो इसका सार्वांतर भी सात है, प्रथम पद भी सात है। ये कभी कभी होता है। आगे चलें। अगला सवाल जो आपके सामने आ चुका है, गौर करिएगा ये क्या कह रहा है। इसमें प्रथम पद और सार्वांतर बताना है, जो कि आपकी कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के, ये आपके किताब से है। ठीक है, तो किताब में आपके जो पहला सवाल है उसमें कई भाग दिए गए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर चार भाग दिए गए हैं, चार में से हमने तीन उतार लिया है, ए बी सी डी सभी को हल करना है। प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें? तीन। ये क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो गया? तीन। सार्वांतर क्या होता है? कोई भी दो पद को आपस में घटाइए दूसरे से पहला, जो आएगा वही सार्वांतर होगा। जैसे अगर इसको हम घटाएं इसमें से तो कितना आएगा, गौर करिएगा। अगर डायरेक्ट घटाएंगे तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये माइनस वाला पद है, ध्यान दीजिएगा। इसे संख्या रेखा पे हमें लिखना होगा तभी आप समझ पाएंगे। ये देखिए जीरो माइनस एक, इधर तो प्लस होता है ना, ये माइनस एक माइनस दो माइनस तीन। अब मतलब समझिएगा, एक कहाँ होगा? पॉजिटिव में, यहाँ पे है। माइनस तीन कहाँ पे है? यहाँ पे है। और प्लस तीन कहाँ पे है? यहाँ पे है। और माइनस एक कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब अगर आप लोग इन सभी का अंतर देखें तो कितने कितने का अंतर आ रहा है। देखिए इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, एक पद बच रहा है ना माइनस दो। इसके और इसके बीच में देखिए कितना पद बच रहा है, एक पद बच रहा है ना। और एक और तीन के बीच में देखिए कितना पद बच रहा है, एक ही पद तो बच रहा है ना। अगर इसे आप ऐसे घटाएंगे माइनस तीन से माइनस एक, तो ये माइनस तीन धन एक इक्वल क्या आएगा? माइनस दो आएगा। अगर आप माइनस एक से जब माइनस एक घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस दो आएगा। सिंपल सी बात है, सब में वैसे ही आएगा। अगर माइनस एक से माइनस तीन घटाएंगे तो एक है प्लस में, तो भी माइनस दो आएगा। देखिए सभी में माइनस दो आ रहा है ना, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ये हमने यहाँ भी दिखा दिया आपको, दूसरा तरीका भी आप समझ सकते हैं, ये एक तरीका ये भी है। जल्दी से वीडियो को रोक ले, तुरंत लिख लीजिए रोक के, हो गया ना? तो बिल्कुल प्रथम पद वही होता है जो सबसे पहले होता है, सार्वांतर वो होता है जो कोई भी दो पद को आपस में घटाने पे आता है, पीछे वाले पद से आगे वाले को घटाते हैं। तो मान लेते हैं माइनस एक से माइनस एक घटा लिया, माइनस दो आया, ये क्या है? सार्वांतर। अब आप समझ गए होंगे इसका सार्वांतर माइनस दो है और प्रथम पद क्या है? तीन है। दूसरे पे चलते हैं, समझिए मतलब, बस लिखने को लिख लीजिए, चाहे अगर आप लिखना चाहते हैं सार्वांतर माइनस दो, ये कैसे होता है? इसका सूत्र भी आप लिख सकते हैं, सार्वांतर बराबर लिख लीजिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सार्वांतर इक्वल द्वितीय पद माइनस प्रथम पद आ जाएगा। इसमें ये प्रथम पद है जहां से श्रेणी शुरू होती है, सार्वांतर क्या होगा? इसे डी से दिखाते हैं, सार्वांतर आप लिखेंगे प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है? तो घटा लीजिए फिलहाल ऐसे ही, सेकंड पद
माइनस फर्स्ट पद, तो सेकंड पद है माइनस एक और माइनस द्वितीय पद है माइनस पांच, इस तरह से माइनस एक धन पांच इक्वल चार आएगा, यानी कि सर्वांतर चार आ गया। आप तीन से माइनस एक घटाएंगे जब ना, तब भी चार आएगा। इसमें कैसे होगा भाई, प्रथम पद की अगर बात करें तो प्रथम पद इसमें एक बटा तीन होगा, क्या होगा वन अपॉन थ्री। अगर सर्वांतर की बात करें तो अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको पांच बटा तीन से एक बटा तीन घटाना होगा, यानी कि द्वितीय पद से पहला पद को घटाना होगा। तो पांच बटा तीन से एक बटा तीन घटाना बहुत ही आसान है, भिन्नों का घटाना अगर आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, हो सकता है आपको इसी से रिलेटेड लिंक मिल जाए, अगर नहीं मिलती है तो नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी तुरंत। ऊपर ऊपर का घट जाएगा, पांच से एक जाएगा तो चार, और तीन नीचे था वैसे उतार लिए, ये हो गया पांच बटा तीन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आपके सामने से हट रहे पांच सेकंड के लिए, जल्दी करें। हो गया सभी का? जी बिल्कुल, अगर हो गया तो फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और भी प्रोसेस आपको बताते हैं जल्दी जल्दी से, देर नहीं, बस आपके कमेंट्स के जवाब जल्दी ही आपको मिलने लगेंगे। जो लाइव होता है उसका जवाब अभी इस समय आपको नहीं मिल रहा, किसी का नाम नहीं बोला जा रहा है, कोई नाराज हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल नाराज ना हो। हमारी कोशिश होती है क्लास आपको बिल्कुल समझ में आएगी, आपको कुछ पूछना पड़ेगा ही नहीं। देखिए अभी बाद में जब क्लास आपकी फिर अच्छे तरह से होने लगेगी तो सभी का नाम ले लेके हम बुलाएंगे, बिल्कुल नाराज नहीं होना। प्रथम पद और सर्वांतर बताइए। आप लोगों को हम जो सवाल दे रहे हैं इनका आप घर से करके लेके आएंगे और व्हाट्सएप पे भेजेंगे फोटो। ये कुछ सवाल हमने आपके लिए लिखे हैं, इनको आप होमवर्क करेंगे, जैसे आपको बचपन में होमवर्क मिलता था ना घर से, तो ये होमवर्क जरूरी है। क्योंकि अभी कल एक फोन आया हुआ था हमारे पास में, जम्मू कश्मीर से हमारे इंडिया के हीरो ने किया था, यानी कि आर्मी के एक जवान ने किया था, जो कि इस समय जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, लेकिन वो वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो उन्होंने कहा सर यहाँ पर हम लोग को बुक तो नहीं मिल पाती है, लेकिन जो आप करवाते हैं क्वेश्चन उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, सीखने में मजा आता है, तो आप हमें अभ्यास के क्वेश्चन दे दिया करिए, कैसे मिल पाएंगे। तो इन लोगों के लिए विशेष हमने ये जो अभ्यास के क्वेश्चन दिए, इनको ये लोग अभ्यास कर सकते हैं, खुद से मनन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उनका नाम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना बता देते हैं वो भी सेना में कैप्टन है। तो ऐसे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको बुक वगैरह नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी वो मोबाइल फोन तो सबके पास होता है, चाहे वो उसमें मूवी देख रहा है चाहे पढ़ाई कर रहा है। सिंपल सी बात है, आपके हाथ में एक चक्कू दे दिया जाए, चाहे आप उससे गला काट लें या फिर आप उससे फल काटें, आपके ऊपर है। तो सारी बात हो गई खत्म, तो आज की क्लास में बस इतना ही। चलते चलते आपको बता दें वही जो रोज बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमें अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो करें। इसके अलावा फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह पे फॉलो कर लीजिएगा। पीवीआर स्टडी के दूसरे जो यूट्यूब चैनल हैं, जैसे नंबर एक मैथ आसान है, नंबर दो पीवीआर स्टडी ग्रुप, इन सबको अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी क्लास और हर दिन मिलती रहे। बात समझ में आई ना? तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि ये नेक काम हो सके, मतलब कुछ पुण्य हो सके, है ना। तो करेंगे ना आप लोग? इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से थैंक यू, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। फिर से मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए इंतजार करिएगा और जो भी क्लास चली है उन्हें दोहराते रहिएगा।